हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग फैराडे के लॉज देख रहे थे। हमने बोला था कि भाई फैराडे जो था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए टू लॉज प्रोवाइड किए थे। जो सेकेंड लॉ था ना फैराडे का, वो सेकेंड लॉ क्या बोलता था कि भाई फ्लक्स जो जनरेट होगा ना, सॉरी जो EMF इंड्यूस होगा ई, दैट विल बी इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। तो वहाँ एक माइनस का साइन आ रहा था, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो EMF इंड्यूस होता है या जो करंट यहाँ पे इंड्यूस होता है वो अपने रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करता है, ठीक है। अच्छा, ये बात बताई किसने? बात बताई लेंज ने। उसने लेंज लॉ दिया और लेंज लॉ में दिया कि भाई अपोज करने के लिए होगा क्या, करना क्या पड़ेगा। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना विच इज लेंज लॉ, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखें लेंज लॉ। अच्छा, लेंज ने कोई बात बोली जो मैं बोल रहा हूं कि भाई क्या होगा कि जब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा सर्किट के अंदर अगर सर्किट क्लोज है तो। अच्छा, ये बात ही मैंने बोली थी, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट जनरेट होगा। EMF तो हर कंडीशन में जनरेट होना ही है, सर्किट क्लोज है ओपन है तो EMF तो जनरेट होना ही है अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो। करंट का जनरेट होना वो तो डिपेंड करेगा कि सर्किट कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। लेंज ये कहता है कि भाई जो भी EMF या करंट इंड्यूस होगा ना, उस EMF या करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, है ना, कि वो अपने रीजन ऑफ जनरेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करने से मेरा मतलब क्या है? मान लो एक अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा था फैराडे का, है ना, ये कॉइल थी जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर था, यहां एक बार मैग्नेट थी, ठीक है, ये N और ये S पोल था इसका। अच्छा, अपन इस बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे, ठीक है। जब बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे तो क्या होगा कि भाई इस बार मैग्नेट में से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रही हैं? इस कॉइल से पास हो रही हैं, इस कॉइल के एरिया से पास हो रही हैं। इस कॉइल के एरिया से जब ये पास हो रही हैं तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। जब वो फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो जब अपन इसको पास ला रहे हैं, अच्छा जब ये दूर था तो लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही थी, जैसे जैसे पास लाएंगे फील्ड लाइंस का नंबर इस एरिया में से इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस होगा। अब EMF इंड्यूस होने का जो रीजन है वो क्या है? वो है फ्लक्स का इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होना। अब इसको अपोज करना है अकॉर्डिंग टू लेंज, इसको अपोज करना, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां करंट जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा तो करंट कैरिंग कॉइल क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसका मतलब अपोज करने के लिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना वो इस तरह होनी चाहिए कि वो क्या करे, ये फ्लक्स के इंक्रीज होने को अपोज करे, मतलब वो फ्लक्स को क्या करे, रिड्यूस करे, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो प्री एग्जिस्टिंग फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके लिए करंट की डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए कि उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट हो कि वो क्या करे, प्री एग्जिस्टिंग फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। ये है रीजन, ठीक है। मान लो ये दूर जा रहा है, बार मैग्नेट दूर जा रही है तो क्या होगा, फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब फिर से EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, फिर से वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोज करने के लिए? क्या हो रहा है, फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, अपोज करने के लिए फ्लक्स को क्या करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए, मतलब वहां जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए किस तरह, कि वो पुराने वाले फ्लक्स को क्या करे, इंक्रीज करे। तो उसी की डायरेक्शन में है उसकी जो जनरेट इंड्यूस्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इस तरह ही जो EMF है या करंट है वो क्या करता है, अपने रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करता है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है प्रिंसिपल, ठीक है।
इस पे बेस है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही ये प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। ठीक है, कैसे लगता है वो भी बाद में बात करेंगे थोड़ा। अगर मैं लेंस की बात करूँ, अच्छा कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है, इंड्यूस करंट फ्लो होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए कि वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे जो क्या करे, प्री एग्जिस्टिंग को, पहले जो रीजन है वहाँ पर उसको अपोज करे। इसके लिए अगर अपने पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इस बार मैग्नेट में ये एन पोल है, ये इधर एस पोल है, इसके सामने ये कॉइल है, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो होना है, इंड्यूस होना है। तो अगर अपन एन पोल को पास लेके जाएं, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, फ्लक्स में चेंज आएगा या करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब रीजन क्या है, बेसिक रीजन देखो, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि एन पोल पास आ रहा है। अब एन पोल अगर पास आ रहा है तो अपोज करने के लिए इसको एन पोल को क्या करना चाहिए, इसको अवे पुश करना चाहिए। अब एन पोल को इसको अगर अवे पुश करना चाहिए तो रिपेल करना चाहिए इसको, एन पोल को रिपेल करने के लिए यहां क्या बनना चाहिए, एन पोल ही बनना चाहिए। तो एन पोल जब इधर की साइड बनेगा इस कॉइल में, तो एन पोल के बनने के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स जब आप एन पोल को पास लेके जाएंगे तो उस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा टू अपोज द रीजन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अगर मान लो मैं इस एन पोल को दूर लेके जाता हूं, वो मेरी बार मैग्नेट है एन, ये एस, ये मेरी कॉइल हो गई, एन पोल को दूर लेके जाऊं, फ्लक्स रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एन पोल दूर जा रहा है, अवे मूव कर रहा है। तो रीजन अपोज करने, रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करना है तो उसके लिए एन पोल को इसको दूर जाने से रोकना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए इसको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, साउथ पोल बनाना पड़ेगा। साउथ पोल बनाना पड़ेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो एस पोल हो तो एन की जगह एस होता, एस पोल दूर पास में जाता, फ्लक्स तो वेरी करता, एस पोल को ये अवे पुश करेगा, अवे पुश करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे, एस पोल, तो एस पोल पास आएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, एस पोल अगर दूर जाए तो इधर क्या बनाना चाहिए इसको अट्रैक्ट करने के लिए, एन पोल, एन पोल क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं इधर से देख रहा हूँ इसको, मतलब अगर कॉइल ऐसे रखी है तो मैं इधर से देख रहा हूँ इसको, ठीक है, तो मेरे को कैसा लग रहा है, ये एन पोल इधर लग रहा है, तो एन पोल इधर है तो मतलब इधर से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको दूसरी साइड से अगर मैं देखूँ, इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे कोई एक पेपर ले लेता हूँ मैं, है ना, मान लो एक पेपर लूँ मैं, है ना, और पेपर के थ्रू मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ विजन चेंज कर दूँ तो कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। देखो, ये मेरी कॉइल थी, इस पे इधर क्या बन रहा था, इस पे इधर ये एन बन रहा था, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो आपके विजन पे भी डिपेंड करता है कि आप कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ देख रहे हो। अगर मैं मैग्नेट की साइड से इसको देख रहा हूँ, मैग्नेट की साइड से इसको देख रहा हूँ तो मेरे को क्या बनना चाहिए, एन पोल बनना चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब मैं दूसरी साइड से इसको देखूंगा जाके इधर, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से ये मैं मार्कर से इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ये मेरे को एन उल्टा इधर से ऐसे दिख रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी व्हाट, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपके विजन पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन लेंज़ लॉ फाइनली ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मस्ट बी सच दैट इट अपोजेस रीजन ऑफ जनरेशन। ये अपने रीजन ऑफ जनरेशन को क्या करनी चाहिए, अपोज करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज कर रही है किसको फॉलो करके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करके। ऐसा क्यों है, अच्छा अगर मान लो अपोज नहीं कर रही है, मैं ये बोल देता हूँ कि अपोज नहीं कर रही, एन पोल पास आए, ठीक है, एन पोल के पास आने से यहां एन पोल ना बनके अपोज नहीं करे, एस पोल बन जाए, अपोज नहीं करेगी तो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, एस पोल बन जाएगा तो क्या होगा,
ये जो एस पोल बना, ये एन पोल बना, तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा कि भाई अट्रैक्शन हो रहा है तो, और एस पोल तो एन पोल को अपनी साइड क्या करेगा? पुल करेगा, पुल करेगा। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क एन पोल अपने आप ही क्या होगा? बार मैग्नेट अपने आप ही कॉइल की साइड शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। अपने आप कॉइल की साइड शिफ्ट होती जाएगी बार मैग्नेट। यहां क्या होगा, जैसे जैसे शिफ्ट होगी वैसे वैसे इंड्यूस करंट की क्वांटिटी और इंक्रीज होती जाएगी, मतलब फोर्स की वैल्यू और ज्यादा लार्ज होती जाएगी, एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? अपन कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे, सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है और खुद ही एनर्जी जनरेट कर रहा है। मतलब ये तो क्या हो गया, सेल्फ एनर्जी जनरेटर हो गया। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि खुद ही एनर्जी जनरेट हो जाए, है ना। खुद ही वर्क कर लें और खुद ही एनर्जी जनरेट कर लें। अगर एनर्जी जनरेट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है भाई। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही तो होती है, है ना। कन्वर्जन होता है ना नेचर में एनर्जी का, जनरेशन थोड़ी होता है। यहाँ क्या हो रहा है? सेल्फ जनरेशन हो रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या हो गया? वायलेशन हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वायलेशन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? फिर ओपोज होना चाहिए। यहाँ एन है, एन पास जा रहा है, क्या बनना चाहिए? एन बनना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट यूनिट चाहिए। उससे क्या होगा? ओपोज करेगा, अपने आप नहीं जाएगा। अपन को इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। अपन को इसको पुश करना पड़ेगा, पुश करेंगे, वर्क करेंगे, वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उस एनर्जी से ही क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो इस तरह जो लेंज का लॉ है ना, वो क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं होने देता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन अपना ये बताता था कि जो भी ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? रीजन ऑफ जनरेशन को अपोज करेगा, ठीक है। इसी तरह आपने इंड्यूस ईएमएफ की या करंट की डायरेक्शन होगी। कुछ क्वेश्चंस इस पे अपन देख सकते हैं, ठीक है, देखें। आते रहे हैं पहले एग्जाम्स में, है ना, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल ही जाता है इस तरह का। देखो, लेट आई एम हैविंग टू कॉइल्स, है ना। एक तो कॉइल मेरे पास ये है, ठीक, इसके अंदर ही अपन ने की लगा दी और एक अपन ने बैटरी लगा दी प्लस माइनस, और एक की लग रही है ना। इसके साइड में एक दूसरी कॉइल रखी है जिसमें गैल्वेनोमीटर लग रहा है ओनली। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि कॉइल वन, ये कॉइल टू, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे फाइंड करनी है इन कॉइल टू व्हेन की के ऑन ऑब्लिक ऑफ इन कॉइल वन। कॉइल वन के अंदर अगर अपन की को ऑन करें या की को ऑफ करें तो उस समय जो कॉइल टू है उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या होगी। सबसे पहले मान लो मैं की को ऑन करता हूं, है ना, फर्स्ट केस के ऑन कर दी मैंने, ठीक है। जैसे की को के को ऑन करूंगा तो देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी ना, नहीं थी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे ही की को ऑन किया करंट इंक्रीज हुआ, कितना? जीरो से आई, ठीक है। उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई कितनी? जीरो टू बी। उससे फ्लक्स जनरेट हुआ कितना? जीरो टू फाइव। चेंज हुआ है कितना? जीरो से फाइव, है ना। करंट कितना? जीरो से आई। वो फ्लक्स इसमें से भी पास होगा, इसकी फील्ड लाइन इसमें से भी पास होंगी, इसका फ्लक्स भी जीरो से फाइव टू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से बी टू हो गई, ठीक है। ये करंट यहाँ फ्लो होने लगेगा आई।
अब क्या होना चाहिए कि भाई इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए कि ये क्या करे, इस फ्लक्स को रिड्यूस करना चाहे। फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करनी पड़ेगी, उसके अंदर इसका करंट रिड्यूस करना पड़ेगा। और करंट को रिड्यूस करने के लिए डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए सेकंड वाले करंट की? अपोजिट। भाई जब आई वन माइनस आई टू होगा तभी तो फाइनल आई क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस करने के लिए जो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कैसी हो जाएगी? इसकी अपोजिट। ठीक है, अगर ऑफ करूंगा तो ऑफ करूंगा तो अपना जो फ्लक्स है वो फाई से जीरो, मैग्नेटिक फील्ड बी टू जीरो, करंट आई टू जीरो, यहां भी फाई टू से जीरो, बी टू टू जीरो। तो क्या करना पड़ेगा, ये अपोज करने के लिए क्या करेगा ये, भाई चेंज को रोकना चाहेगा ना भाई। ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने का रीजन ऑफ जनरेशन क्या होता है? फ्लक्स का चेंज होना। तो फ्लक्स को चेंज होने से तो रोकेगा, कैसे रोकेगा? करंट को कम होने से रोकेगा। कम होने से रोकने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रखेगा? उसी करंट की डायरेक्शन रखेगा जो साइड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो अपना ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है वो रीजन ऑफ जनरेशन को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर हैं तो वहां से अपन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी एक क्वेश्चन में देखूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास एक बार मैग्नेट है, एन पोल है, एस पोल है, इधर ये कोई कॉइल है। ठीक है, एन पोल इधर से पास जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी बता सकता हूँ इजीली? ठीक है, ये तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है कि एन पोल पास जा रहा है, अपोज करेगा, एन पोल बनेगा, एन पोल बनेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। देखने के मेथड पे भी है, इधर से देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन यहाँ से कर सकते हैं, बुक में है वो करके आप और पूछ सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये तो अपन ने ओनली ईएमएफ की बात की, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन करंट भी तो इंड्यूस होगा, करंट के साथ साथ यहाँ चार्ज भी इंड्यूस होगा। तो उस करंट की या चार्ज की वैल्यू क्या होगी, विच इज आर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज, देखें कितना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, एक बार पहले आया है ये, प्रूव दैट द इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला निकालेंगे तो वो टाइम का टर्म उसके अंदर नहीं आएगा फॉर्मूला के अंदर, तो फॉर्मूला को देख के अपन बोल सकते हैं कि द इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, करंट और ईएमएफ करता है क्योंकि इसमें तो टी का टर्म आता ही है। ठीक है, देखो अपन जानते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, लाइक मेरे पास एक कॉइल है। ठीक है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है कुछ आर, है ना, उसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कि भाई जो ईएमएफ होगा ई दैट विल बी माइनस का टी फाई अपॉन डी टी, मैग्नेटिक है तो डी फाई भी बोल दिया है मैंने उसको। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा ईएमएफ है ना, इसमें अपन का जो फाई बी होता है, फ्लक्स जो होता है बी इंटू ए, ये होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, अच्छा इसमें अगर एन टर्न है तो माइनस का एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, फ्लक्स का जो मेरे पास फॉर्मूला था दैट वाज फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, ये तो था, सेम डायरेक्शन में है तो फाई बी, बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस, इंटीग्रेशन डी एस मतलब सारे एरिया ऐड कर दूँ तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा मेरा, ए आ गया। तो वही फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे भी लिख सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, एरिया से तो मल्टीप्लाई करना है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को, तो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा इसमें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी बी इंटू ए हो सकती है। अब देखो चेंज तो एरिया भी हो सकता है,
और चेंज मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो इफ एरिया चेंजेस तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गई तो अपना जो ई एम एफ ई है वो क्या हो जाएगा, माइनस का एन, एरिया चेंज हो रहा है बी डी ए अपॉन डी टी, इससे मैं ई एम एफ निकाल सकता हूँ। ठीक है, और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो ई माइनस का एन इन टू ए और डी बी अपॉन डी टी, तो वो तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपन ई एम एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो अपना जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो आर है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज लाइक आर, तो आर रेजिस्टेंस तो अपन जानते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू ई इज वॉट, माइनस का एन डी फाइव वी अपॉन डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो दिस माइट बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, इसे अपन निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस अपन को पता हो तो। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि भाई आई जो होता है ना वो क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है, दैट मीन्स डी क्यू कैन बी आई डी टी हो सकता है। है ना, हो सकता है सिंपली। तो मेरे पास ये जो डी क्यू है विच इज आई डी टी, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डी क्यू आई माइनस का एन अपॉन आर डी फाइव ई अपॉन डी टी इंटू डी टी, डी फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का एन अपॉन आर एंड डी फाइव ई। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है इंड्यूस चार्ज, सो क्यू इज चार्ज। ठीक है, लेट टोटल चार्ज क्यू है और मेरा जो फ्लक्स में चेंज हुआ है डी फाइव ई इज द चेंज इन फ्लक्स, लाइट इनिशियल फ्लक्स फाई वन है, फाइनल फ्लक्स फाई टू है, देन चार्ज क्या हो जाएगा, दिस इज डी क्यू, इफ इनिशियल इफ फ्लक्स इज चेंजिंग फ्रॉम फाई वन टू फाई टू, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जीरो टू क्यू, मेरा चार्ज आया है लेट हो जाएगा माइनस का एन अपॉन आर डी फाइव बी एंड द चेंजिंग फ्रॉम फ्लक्स इज फाइव इंटू फाइव टू, देन द क्यू विल बी वॉट माइनस एन अपॉन आर फाइव फाइव इंटू फाइव टू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का एन अपॉन आर एंड फाइव टू माइनस फाइव वन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अब मेरा जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है इसके फॉर्मूला में कहीं भी टाइम की टर्म नहीं आ रही, माइनस का एन अपॉन आर फाइव टू माइनस फाइव वन, मतलब ओनली फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो कहीं भी टाइम की टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना वो कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता, है ना, कितना भी टाइम हो चार्ज की क्वांटिटी बस ओनली तो चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करेगी, कितना फ्लक्स में चेंज हुआ है वो कितने भी टाइम में हो जाए डिपेंड नहीं करता, और एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, जबकि करंट और ईएमएफ दोनों के अंदर टाइम की टर्म आती है, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स कितने टाइम में हुआ है इस पर अपना ईएमएफ और करंट दोनों डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन चार्ज के लिए ओनली फ्लक्स चेंज होना चाहिए, कितने टाइम में हो फर्क नहीं पड़ता, चार्ज की क्वांटिटी कैसी रहेगी सेम रहेगी अगर चेंज इन फ्लक्स और रेजिस्टेंस सेम है तो। ठीक है, सो दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, ये जो करंट इंड्यूस हुआ ना इसकी डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अपन ने पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इससे पहले जो चैप्टर अपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो रियल करंट्स के लिए था, पढ़ा था अपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इंड्यूस करंट के लिए अपन यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, देखो वही थ्री फिंगर्स यूज होती हैं
अपना थंब, फोर फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर, ठीक है। यहां पे क्या कहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, देखो ये मेरा राइट हैंड, ठीक है। ये थ्री फिंगर्स अपन यूज करेंगे, थंब, फोर फिंगर एंड ये मेरी मिडिल फिंगर, तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रखूं, ठीक है। अब मेरा जो थंब है ना वो डिनोट करे द मोशन ऑफ कॉइल या बार मैग्नेट जो भी है उसको, ठीक है, उसको अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अपनी जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। तो जो मिडिल फिंगर है ना वो डिनोट करेगी किसको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड रूल भी ऐसे ही था, एफ बी आई, इसको भी मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, एफ बी आई, एफ फोर्स मतलब मोशन की डायरेक्शन हो गई, पी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्या, एक तो मेरी थंब वो डिनोट कर रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर, इधर भी जा रहा है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है मूव करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मेरा जो फोर फिंगर है वो डिनोट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो मेरी मिडिल फिंगर है वो डिनोट करेगी किसको, वो डिनोट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो दिस इज आर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे अपन, कन्फ्यूज नहीं होंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो रियल करंट्स के लिए है और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो किसके लिए है, इंड्यूस्ड करंट्स के लिए है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अपना कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसके अंदर फ्लक्स जो चेंज होना है तो उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी उसको अपन लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।